नमस्कार। न्यूज स्टेट पर पहाड़ समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, सीएम धामी ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया है। सीएम धामी ने जरूरतमंदों को कंबल बांटे हैं। दून अस्पताल और कई इलाकों का सीएम ने जायजा लिया है। रैन बसेरे में रुके लोगों का सीएम ने हालचाल भी जाना है। अधिकारियों को सीएम ने अलाव जलाने के निर्देश भी दिए। डीएम नगर आयुक्त को सीएम का निर्देश, अपने जिलों में अलाव की व्यवस्था करें। जरूरतमंदों को गर्म कपड़े कंबल देने का निर्देश भी सीएम धामी की तरफ से सभी जिले के अधिकारियों को दिया गया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी रैन बसेरों का निरीक्षण किया है। साथ ही साथ सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जरूरतमंदों के लिए गर्म कपड़े और कंबल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और रैन बसेरों में गर्म कंबल के अलावा अलाव की व्यवस्था भी की जाए। पहाड़ में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सतर्क और सजग है। एक तरफ जहां सीएम ने मौसम की मार से बचने के लिए उचित व्यवस्था के निर्देश दिए हैं, तो वहीं खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार देर शाम अचानक दून अस्पताल पहुंचे। इसके अलावा देहरादून की कई जगहों पर जरूरतमंद लोगों को कंबल भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने घंटा घर के पास रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रैन बसेरे में रुके लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। मुख्यमंत्री ने रैन बसेरों की स्थिति की भी जानकारी ली। ठंड बढ़ गई है और इस मौसम में सभी को किसी प्रकार से उनके ओढ़ने की व्यवस्था हो और अलाव की जरूरी है तो अलाव जलाने की पहले से व्यवस्था भी है। तो सभी जगह हमने कहा है कि सबके लिए अलाव की व्यवस्था भी होनी चाहिए जिससे कि लोगों को आपदा होने के लिए और जो है थोड़ा ठंड से बचने का एक अच्छा हो रहा है। सीएम धामी ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को रैन बसेरों की स्थिति में और सुधार किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही शहर की अलग अलग जगह अलाव जलाने की व्यवस्था करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने अलाव अफसरों को बेघरों को सर्दी से बचाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से राज्य के कई हिस्सों में इन दिनों सर्दी का कहर बढ़ता जा रहा है। चंपावत और अल्मोड़ा में पारा शून्य के नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने भी राज्य के कई जिलों में भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। देहरादून से सुरेंद्र असीला के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। और लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी